मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर वायरल करने के कई मामले सामने आ रहे थे, जिससे मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंच रही थी। ऐसे में अब मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। यानी जो भी अब यात्री मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उन्हें अपने मोबाइल्स को लॉकर में जमा करना होगा। मंदिर परिसर में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए लॉकर्स की व्यवस्था की गई है। QR कोड के माध्यम से उन्हें टोकन दिया जाएगा, बाद में टोकन दिखाने पर मोबाइल वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए परिसर में मंदिर समिति ने 10,000 लॉकर्स बनवाए हैं। इन सब के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति मोबाइल के साथ दिखता है तो उससे 200 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। वहीं इस फैसले का श्रद्धालुओं ने भी स्वागत किया है। मोबाइल पर प्रतिबंध लगने के बाद महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आसानी हो रही है। मंदिर परिसर में लोग फोटो खींचने के चक्कर में काफी देर तक बैरिकेड पर खड़े रहते थे। हालांकि मंदिर समिति के इस फैसले के बाद परिसर में भी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। भगवान के शिखर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए श्रद्धालु काफी देर तक भीड़ में रुक जाते थे। मोबाइल जो प्रतिबंधित किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हमारा मेन पर्पज है कि भगवान के चरणों में लीन होना है, हमें भगवान के दर्शन लेने हैं। अदरवाइज क्या होता है कि लोग बस फोटो खींचने में बिजी हो जाते हैं और जो मेन पर्पज है वो रह जाता है। तो मुझे लगता है हर एक मंदिर में मोबाइल बैन होना चाहिए, ताकि लोग जो मेन पर्पज है कि भगवान के चरणों में लीन होना है, दर्शन लेना है, वही करें। आपको फोटो ही खींचना है तो बाहर जो कॉरिडोर हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, वहाँ पे आप फोटो खींच सकते हैं। लेकिन मंदिर में जो मोबाइल प्रतिबंधित है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जानकारी के मुताबिक 3 स्थानों मानसरोवर गेट, प्रशासनिक ब्लॉक के सामने और गेट नंबर 4 के पास क्लॉक रूम में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश से पहले अपने मोबाइल फोन जमा करने के लिए लॉकर रखे गए हैं, जबकि एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। क्लॉक रूम में एक बार में 10,000 मोबाइल फोन स्टोर करने की क्षमता है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से मंदिर परिसर में लगातार कई लोग रील्स बना रहे थे, कई बार तो अभद्र गाने भी बजाए जाते थे। बाद में इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा था, जिसके बाद मंदिर की पवित्रता और परंपरा को बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।